क्वेश्चन है इनका सर मेरे को मैथ्स इलेक्टिव पंजाबी और सोशियोलॉजी है, सो प्लीज दस दो के ये सही है जी। मतलब आप बीएड करना चाहते हो, आपके लिए कॉम्बिनेशन कौन सा सुटेबल है, ये बात मैं डिस्कस करने लगा हूँ। मैथ्स इलेक्टिव पंजाबी सोशियोलॉजी, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी क्राइटेरिया बनाए हुए हैं, ये आपको गवर्नमेंट जॉब तक के लिए गाइड करेंगे। ग्रेजुएशन में है नंबर एक मैथ्स और दूसरा पॉलिटिकल साइंस एंड इलेक्टिव पंजाबी, ठीक है। तो इन क्योंकि ये 3 साल का क्राइटेरिया, ये मैथ्स इनका पढ़ा हुआ है ये टिक लगा लिया, और पंजाबी इनका पढ़ा हुआ है टिक लगा लिया, ये भी पढ़ा हुआ है ओके है, लेकिन ये पॉलिटिकल साइंस एज अगर सोशल साइंस लेना है, अगर ये पॉलिटिकल साइंस के साथ एसएसटी लेना चाहते हैं ना, उसके लिए एलिजिबल बनना चाहते हैं, तो इनको एक और सोशल साइंस चाहिए। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री आपने ग्रेजुएशन में जहाँ इकोनॉमिक्स जहाँ ज्योग्राफी जहाँ सोशियोल�जी पब्लिक एड, इनमें से 13 सब्जेक्ट दिए हैं एनसीटी, इन्हें पंजाब गवर्नमेंट ने 7-8 सब्जेक्ट दिए हैं, उनमें से आपने पढ़े हुए होने चाहिए, उनमें से 4 स्कूल सब्जेक्ट में से एक आपने पढ़ा हुआ है, दूसरा आपको पढ़ना पड़ेगा ग्रेजुएशन में, तभी आप एसएसटी के लिए एलिजिबल हो सकते हो। अगर आप एमए पॉलिटिकल साइंस करते हो तो आप टी पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस लोगे, क्योंकि बीएड करने के बाद अगर इस पर आप फोकस करते हो तो आप एलिजिबल एकदम नहीं बन रहे, आपको एडिशनल सब्जेक्ट देना पड़ेगा। अगर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप इस पर फोकस कर सकते हैं, लेकिन मेरा सुजेशन ये नहीं है कि आप इस पर फोकस करो, आप इसको पोस्टपोन करोगे। बीएड के बाद अगर एडिशनल करना चाहते हो और एसएसटी के लिए एलिजिबल बनना चाहते हो तो वो बाद में करें। हाँ, आप हिस्ट्री का अगर सेम यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं ग्रेजुएशन का साथ साथ में दे सकते हैं, इस बात की नॉलेज आपको चाहिए कि आप साथ साथ में बीएड के साथ साथ एडिशनल हिस्ट्री या एडिशनल इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी जो भी पॉसिबिलिटी है उस यूनिवर्सिटी में वो दे सकते हो, लेकिन आपको एडिशनल एसएसटी का बाद में ही देना पड़ेगा। दूसरा है कि पॉलिटिकल साइंस के साथ अगर आप पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला पीयूसी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला या पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के कॉलेज से पेडागोजी ऑफ एसएससी ले लेते हो, गुरु नानक में ये नहीं मिलेगा, तो आपको आप गवर्नमेंट जॉब के लिए फिर एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आपको फिर ये हिस्ट्री ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। दैट इज़ वाई आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है कि मैथ्स आपने 3 साल भी पढ़ा है, ये देखिए 3 साल पे टिक है, और आपका इलेक्टिव है वो भी ठीक है, टीजीटी के लिए एलिजिबल बन रहा है वो भी बिल्कुल ठीक है, एडिशनल कोई नहीं करना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एलिजिबल हो रहे हो और 2 सब्जेक्ट का कोई पंगा नहीं है, तो मैथ्स आपको 100% ऑप्शन लेनी चाहिए। दूसरा सेम आपका मन रहा है इलेक्टिव पंजाबी कि आपको इसके लिए 2 सब्जेक्ट कोई पढ़ने की पंजाबी की जरूरत नहीं है, इलेक्टिव है 3 साल है, एडिशनल नहीं करना पड़ेगा, टीजीटी के लिए आप यहां पर एलिजिबल मन रहे हो, सभी टिक लग रहे हैं, दैट इज वाई का बेस्ट कॉम्बिनेशन है मैथ्स एंड पंजाबी। लेकिन अगर आप ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल बनना चाहते हो टीचिंग ऑफ एसएसटी या टीचिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उसके लिए आपको ये जो मैंने पहले बताया उसको फॉलो करना होगा। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।